भैया अच्छा यही जी। मार्केट पर सुबह का गलियों गलियों में अभी मैं जा रही हूँ, ये मोटू मुझे स्ट्रीट्स के अंदर अंदर लेके जा रहे हैं और मुझे डर इस बात का लगा हुआ है कि मुझसे कोई मोबाइल ना स्नैच कर दे, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे कुछ वाकयात भी हुए हैं। लेकिन चलें, ये मोटू है मेरे पास। यहाँ से रोड बंद है सारी। अच्छा जी, मैं हॉस्पिटल गई थी ब्लड देने, लेकिन वहाँ पे मेरी बातचीत ज़रा ख़राब हो गई। मैंगोज़ का सीज़न तो ख़त्म हो गया है, लेकिन ये मुझे अच्छे से मैंगोज़ मिल गए तो मैं ले आई, और अभी मैं एक सोच रही हूँ इसको एंजॉय करूँ। वैसे एक मज़े की बात बताऊँ, लोगों को मैंगोज़ मीठे पसंद होते हैं, लेकिन मुझे जो इस तरह से थोड़े से उसको क्या बोलते हैं यार, पश्तो में एक वर्ड है त्रावो होते हैं, तो मुझे वो अच्छे लगते हैं। तो ये देखें, ये ज़्यादा पका हुआ नहीं है, मीठा नहीं है, थोड़ा सा कच्चा है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। प्यारी समझ गई। वैसे मैंगोज़ के बारे में ये कहा जाता है कि मैंगो आपको अकेले में खाना चाहिए, क्योंकि अब ये किसी और के सामने तो आप खा नहीं सकते, नहीं तो आपको मैंगो का मज़ा नहीं आना। अच्छा, इंजेक्शन यहीं पे पड़ा हुआ है और ये मैं भी हटा देती हूँ, साथ में और भी चीज़ें उठा के। अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मेरी दुआ है आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। नया दिन, नया व्लॉग। वैसे आप लोग सब सोच रहे होंगे इतने ज़्यादा दिनों के बाद व्लॉग क्यों बना रही हूँ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, अभी भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसी सिलसिले में मैं पहले हॉस्पिटल गई और ज़ाहिर है कुछ टेस्ट रिक्वायर्ड थे, वो टेस्ट मैंने उसके लिए ब्लड दिया नहीं। घर वापस आ गई वहाँ से, तो अभी मैंने जो है वो ब्लड कलेक्टर को कॉल की है, घर से ही ब्लड लेके तो वो चले जाएंगे। तो हॉस्पिटल जाके भी मैं वापस आ गई, ब्लड क्यों नहीं दिया वो भी आपसे शेयर करती हूँ। तो जनाब, अपने रूम की सफाई से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो मेरा पिलो है, इसको मैं हमेशा ये सिल्क वाला कवर जो है यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बाकी जो है ना, चूँकि ये तो मैचिंग भी है, लेकिन मैं सिल्क के अलावा किसी और पे सो नहीं सकती। मुझे पता है आपका तकिया और भी आरामदेह होता है जब आप सिल्क के इस तरह के बेडशीट्स या जो है वो पिलो कवर्स यूज़ करते हो, लेकिन फ़िलहाल मैं इसका बेडशीट नहीं यूज़ कर रही, क्योंकि वो बार बार जो है वो बेड से फिसल जाता है, उसमें ये इशू बहुत है। इसलिए जस्ट मैं अपना ये पिलो कवर चढ़ाती हूँ पिलो को। हम तो साथ साथ होते रहते हैं, लेकिन साथ साथ अपनी स्किन केयर भी ज़रूरी है। चूँकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, इसलिए मैं हमेशा इसको मॉइस्चराइज रखती हूँ। बस खलास, अभी होता है काम शुरू। अच्छा जी, खाना हमारा रेडी हो गया है। आज चाइनीज़ राइस बनाए हैं महनूर ने, साथ में आलू गोश का सालन बना हुआ है, और इसके अलावा भी कुछ है लेकिन वो अभी आ रहा है। अच्छा जी, महनूर ने बीफ चिली ड्राई बनाए हैं और साथ में दही। तो आज महनूर ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन इसका मूड भी ख़राब है। अच्छा जी, शुक्र है लंच हमने कर लिया है, बहुत ही मज़े का खाना आज बना था। और ज़्यादातर हम चाइनीज़ खाने बाहर जाते हैं, लेकिन अच्छा है महनूर ने आज घर पे ही कुकिंग की थी। अभी हमारा वो छोटा मुन्ना आया हुआ है अभी अंदर, उसकी वजह से ये फ़ैन भी बंद करती है, क्योंकि वो उड़ता है, और मैं जब भी कोई बर्ड हो तो मैं उसके पर बिल्कुल भी नहीं काटती हूँ। तो अभी आप सबको मिलवाती हूँ अपने मुन्ने से।
अच्छा ये छोटू अभी जो है ना काटने लगा है। छोटू छोटू बहुत ही मुन्ना सा है ये, इसके लिए जोड़ी भी देखनी है। रोशी जा रहा है मुझे ये छोटा मुन्ना पकड़ा के। मुन्ने अबे ओ मुन्ने मुन्नी, ये देखें अभी उड़ के ना ये कहाँ पे आके बैठ गए, तो इसको थोड़ी देर यहीं पे बैठने देते हैं, थोड़ा ये भी इंजॉय कर ले टाइम। और ये है जी सबकी सताई हुई तीन भाइयों की इकलौती बहन, हाँ ये दुख दर्द और कामों से भरी हुई ज़िंदगी है इस बच्चे की, इस पे बड़ा जुल्म होता है वैसे। तीन भाइयों की इकलौती बहन है और सबके लिए ये खाने बनाती है, और अभी ये जाके मेरे लिए कावा भी बनाएगी। गजब बेइज्जती है। अभी मैं बैठ के ना थोड़ा सा ये लैपटॉप अपना, इसकी स्क्रीन कितनी मैली हो चुकी है, पहले तो मैं इसको साफ करती हूँ। अभी मैं इसको साफ करने लगी हूँ। ज़्यादातर ये अब बच्चे यूज़ करते हैं, मेरा दिल चाह रहा है, बल्कि मैंने सोचा हुआ है मैं अपने लिए एक नया ले लूँ और फिर मैं वो अब बच्चों के साथ शेयर नहीं करूँगी। अभी फ़िलहाल तो चलें इसी पर ही गुजारा करते हैं। तो मैं अच्छे से साफ़ कर लूँ। लैपटॉप में पता नहीं क्या मसला आया हुआ है, इसमें एक भी अपडेट नहीं जो है हो रही। अब मुझे दोबारा इसका मैसेज आया है कि आप अपना ब्राउज़र जो है वो अपडेट कर लें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, हालांकि जब मैं इस पर क्लिक करूँगी ना, ओफो ये तो मैंने गलत कर दिया। अच्छा ब्लड मैंने दे दिया है और मुझे भी पेन फील हो रहा है। ये देखें, मोटू मत खरा, मेरा हाथ और भी दबा रहा है। ये देखें, ये मेरा ब्लड इसमें पड़ा हुआ है, ये पता नहीं क्यों इन्होंने छोड़ दिया इसमें। अब ये डस्टबिन में जाएगा, यानी कि मेरा ठीक ठाक ब्लड निकाल के ये मैं अब डस्टबिन में फेंक दूँ, ये खुद में वापस इंजेक्ट करती हूँ और सलान ये मुझ में वापस इन कर दो। नहीं, अभी मैं अपने सर में ऑयलिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील करके सोच रही हूँ। मैं अभी वो उसने भी आना है ब्लड कलेक्टर ने, तो उसको ब्लड भी देना है। और ये भी मैंने आपसे स्टोरी शेयर करनी है कि मैंने हॉस्पिटल में गई हूँ लेकिन ब्लड मैंने क्यों नहीं दिया। फाइनली मेरे बालों में ऑयलिंग हो गई है, बस थोड़ी देर के बाद मैंने फेस को वॉश करना है, लेकिन अभी जाहिर है वो मौसी आई थी काम करने के लिए, सारे कपड़े प्रेस कर दिए हैं और ये वाले ड्रेसेस मेरे ऐसे ही रखे हैं मैं। ये देखिए ये क्या लगा हुआ है, और ये ऐसे ही प्रेस करके चली जाती है सारा कुछ ऐसे ही छोड़ के। अच्छा तो बस मैं सोच रही हूँ अपने व्लॉग यहीं पे दी एंड कर दूँ। ये देखें सारी अच्छे से सेटिंग हो गई है, अच्छे से कपड़े रख दिए उन्होंने, बाकी बॉयज़ के कपड़े सारे यहाँ पे रखे हैं क्योंकि हैंगर्स मज़ीद जो हैं वो अवेलेबल नहीं थे। और तो मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों में जब मैं मार्केट जाऊँगी तो हैंगर्स भी बाई करूँ। बहरहाल बातें बहुत ज़्यादा हैं, आज मैं पता है हॉस्पिटल गई थी लेकिन वहाँ पे क्या था कि हॉस्पिटल में जो नर्स है उसने मेरे से बदतमीज़ी की, तो मैंने ब्लड दिया ही नहीं। मेल सेक्शन में जब मैं गई तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारे पास जो कंप्यूटर है वो ख़राब हो चुका है, कुछ देर बाद आप आएँ। तो ये बातें होती रहती हैं। आई डोंट नो फीमेल अगर नर्स है वो अपनी ड्यूटी कर रही है तो उसको पेशेंट्स के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, उनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। टोटली जाहिल नर्सेज हैं यहाँ की, सारों का तो मैं नहीं कह रही लेकिन बस एक बहुत ज़्यादा